रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तन्नीज किचन। तो आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं चिली गार्लिक वेजेस। तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही टेस्टी और क्विक बनेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। ये मैंने पोटैटोस लिए हैं 3, ये मीडियम साइज़ के लिए थे और इनको इस तरह काट लिया था। मैदा मैंने लिया है 1/4 कप, पानी मैंने लिया है 1/3 कप, पेपरिका पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट लिया है तकरीबन 3/4 टीस्पून। ये चीज़ें हमें एक पोर्शन में चाहिए और सेकंड पोर्शन में जो चीज़ें चाहिए होंगी वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर हमने इसमें अपने पोटैटोज़ जो हैं वो स्ट्रेन करके डालने हैं और उनको 5 मिनट तक बॉयल करना है। इस पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हमने इनमें अपने पोटैटोज़ जो हमने भिगोए हुए थे वो हमने डाल देने हैं और इनको हमने 5 मिनट्स तक बॉयल कर लेना। ज़्यादा नहीं बॉयल करना क्योंकि हमने फुल गलाने नहीं हैं, हाफ डन करने हैं। तो इनको हम 5 मिनट्स तक बॉईल करते हैं। जी व्यूअर्स, ये 5 मिनट्स हो गए इनको पकते हुए और ये परफेक्टली डन हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इनको निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और मीनवाइल हम इनकी कोटिंग जो है वो रेडी करते हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे मैदा। मैदा जो है वो आपको मैंने हर दफ़ा बताती हूँ कि छान के डाला करें। छान के हमने मैदा डाल लिया। उसके बाद 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो एंड सॉल्ट टू टेस्ट। वैसे मैंने 3/4 टीस्पून डाला। और उसके बाद हमारे पास जो पानी है इसको हमने डालना है, लेकिन एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम डालेंगे और इसको हम बैटर सा तैयार कर लेंगे कोटिंग के लिए। ताकि ये देखिए कम हो गया तो पानी हम और डाल लेते हैं और इसी तरह से हम इसको अपनी कोटिंग वाला जो बैटर है उस लेवल पे लेके आएंगे और उस वक्त तक पानी जो है वो हम ऐड करते रहेंगे। ये लीजिए जी, ये हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल कोटिंग के लिए। और अब जैसे ही हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो हम कोटिंग जो है इनकी कर देंगे। पोटैटोज़ हमारे रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। तो अब हमने इनको इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी सी कोटिंग जो है वो इसमें सब पोटैटोज़ पे आ जाए। ताकि इस तरह से हमने स्पैचुला से इसको, ये देखिए माशाल्लाह से सब पोटैटोज़ के ऊपर कोटिंग जो है वो हो गई है। अब हमने करना ये है कि हमने इन पोटैटोज़ को फ्राई करना है। ये पहले मैं कर लूँ। ये लीजिए, ये देखिए जी, ये देखिए कोटिंग हो गई है सब पे। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो एक पोटैटो डाल के चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। बस अभी थोड़ी सी देर है, उसके बाद हम फिर पोटैटो जो हैं इसमें डाल देंगे। लीजिए, तो अब हम डाल देते हैं इसमें अपने पोटैटोज़ और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं। बहुत लो फ्लेम भी ना हो और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी ना हो, मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो ताकि वो जो 50% इनकी कुकिंग रह गई है वो भी हो जाएगी और अच्छे से कलर भी इन पे आ जाएगा। तो चलिए इनको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जी, ये हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और अब हम इनकी सीजनिंग तैयार करते हैं। इन्हें निकाल लिए। सीजनिंग के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बटर और इसको हम हल्का सा थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे गार्लिक, कुटा हुआ गार्लिक। हमने पेस्ट नहीं बनानी, हमने उसको बस दरदरा सा जो है वो कूट लेना है। ये लीजिए जी, बटर हो गया। अब इसमें हम गार्लिक डाल देते हैं और इसको सौते करेंगे ओनली फॉर 1 मिनट, ताकि गार्लिक की खुशबू जो है वो आने लगे। लीजिए जी, गार्लिक हमारा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 टेबलस्पून ग्रीन कोरिएंडर। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद अपने वेजेस जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की आ रही है, गार्लिक की भी और कोरिएंडर की भी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके बस इसको कोई दम वगैरह पे नहीं लगाना। ये देखिए सब जो चिली फ्लेक्स हैं और करिएंडर है वो पोटैटोज़ के ऊपर कोट हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल रेडी टू ईट हैं, ठीक है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। लीजिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से चिली गार्लिक वेजेस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देखें कितना प्यारा कलर आया है और हर पोटैटो के ऊपर कोटिंग भी सही है और ये जो हमने सीजनिंग की थी वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास आई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ ऐसा खाने को दिल चाह रहा होता है जो कि एक तो जल्दी बन जाए और दूसरा ये कि खाया भी जल्दी जाए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।